कि सर हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी, सप्लीमेंट अगर हम यूज करें, मास गेनर अगर हम यूज करें, प्रोटीन अगर हम यूज करें, हमारी हाइट में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, ये हमारा परिवार सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि हर किसी के मन में होता है, और सबसे ज्यादा जो मन में होता है वो होता है ग्रोइंग एज में। ग्रोइंग एज में मैं क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बार बार लगातार आता है, वो क्वेश्चन होता है कि सर हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी, सप्लीमेंट अगर हम यूज करें, मास गेनर अगर हम यूज करें, प्रोटीन अगर हम यूज करें, हमारी हाइट में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हमारी हाइट बढ़ रही है, हम 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं। तो दोस्तों ये वाली स्टेज हमारी बॉडी की ग्रोइंग स्टेज होती है, नो डाउट हमारी हाइट जो है स्टेज पे बढ़ती है। वैसे जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज है हाइट बढ़ने के हिसाब से, अदरवाइज 14 से जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है हाइट बढ़ना, और जो है वो 18 19 तक जो है लास्ट रहती है। तो ग्रोइंग स्टेज कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहां पर हमारी हाइट बढ़ रही है। आपके मन में भी आता होगा एक क्वेश्चन कि कहीं सप्लीमेंट लेने से हाइट तो नहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों यहां पर इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार सप्लीमेंट होता क्या है, क्या है ये सप्लीमेंट। देखिए दोस्तों सप्लीमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, कि भाई आप अपनी, अगर जैसे हम ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है तो हम इनकी बात करते हैं, कि आप अपनी डाइट से कवर नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जितने आपको चाहिए, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं 100% ट्राई करने पे, देन आपने कुछ इसमें ऐड किया बाहर से, उसे कहते हैं सप्लीमेंट। या फिर आप अपनी डाइट इनफ ले रहे हैं पर पूर्ति नहीं हो पा रही है, या आपके किसी बॉडी गोल, स्पेसिफिक बॉडी गोल पे आपको कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए जिसकी पूर्ति आप ऑलरेडी ली जाने वाली डाइट से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो है सप्लीमेंट। चाहे प्रोटीन हो, गेनर हो, फैट, एक्स वाई जेड, कोई भी सप्लीमेंट हो आपका। दोस्तों सप्लीमेंट वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है कि बाहर से कुछ ऐड कर देना, पूरक। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं आपकी मेन शीट भर चुकी है, देन आपको एक और शीट चाहिए जिसको कहेंगे सप्लीमेंट्री शीट, इनको कहेंगे सप्लीमेंट्री डाइटरी सप्लीमेंट। तो दोस्तों सप्लीमेंट कोई जादू चमत्कार नहीं है, पहली चीज वो आपके न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करता है, डाइट का ही पार्ट है। तो आखिरकार सप्लीमेंट आपकी हाइट पर क्या फर्क डालेगा? दोस्तों देखिए मैं आपसे एक चीज कहता हूं, हमारी हाइट बढ़ती है नो डाउट, हमारी हाइट बढ़ने के लिए वो स्पेसिफिक एज तो हमें चाहिए, उसके अलावा हमको प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स भी चाहिए। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स पूरे लेंगे तो आपकी हाइट में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट मिलेंगे। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन मिनरल से आपकी हाइट घट जाएगी, तो ये बात हजम ना आपको होगी ना मुझे। और ये सप्लीमेंट जो बॉक्सेस रखे हुए हैं आखिर है क्या? ये भी तो डाइट का ही पार्ट है, इनमें भी तो प्रोटीन मिल रहा है, इनमें भी तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, इनमें भी तो आपको फैट मिल रहा है, इनमें भी तो आपको विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ये भी तो आपके डाइट का ही पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये आपकी हाइट को रोकने का सवाल ही नहीं बनता है अगर आप ओरिजिनल ले रहे हैं। फेक की मैं यहां पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि फेक सप्लीमेंटेशन में तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे, नुकसान बहुत ज्यादा है। पर ओरिजिनल सप्लीमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी हाइट को बढ़ने में तो हेल्प कर सकते हैं, पर हाइट रुक जाएगी या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वो बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको लेने ओरिजिनल है। और ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम आपको बताइए, सप्लीमेंट्स विला फैमिली परिवार, सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो आप निश्चिंत होकर यूज कीजिए, बस अपना बॉडी गोल डिसाइड करते हुए, क्योंकि बॉडी गोल बहुत ज्यादा मैटर करेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी गोल है कि आपको मसल साइज गेन करना है, या आपको अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपने बिना समझे हुए, बिना सप्लीमेंट्स विला फैमिली से डिस्कस किए हुए
गेनर खरीद लिया दोस्तों, वो आपको नुकसान करेगा, आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी थी, हमको मसल साइज चाहिए था, वजन नहीं चाहिए था, और गेनर लेने का मतलब आपका वजन बढ़ गया। और दोस्तों नेचुरल सी बात है यार, जब आपका वजन बढ़ेगा, जब आप वेट गेन कर जाएंगे जहां आपको नीड नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ आपको फिजिकल परफॉर्मेंस में भी डिक्रीजमेंट मिलेगा। आपके मसल साइज तो आएगा पर वजन ज्यादा आएगा, फैट बॉडी में ज्यादा आएगा। तो इसलिए आप अपने बॉडी गोल के हिसाब से सप्लीमेंट चूज कीजिए और हाइट वाले पॉइंट को दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। बस लेने ओरिजिनल है, और ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम सप्लीमेंट्स विला, ये आपको पता ही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली बनाया आप लोगों के लिए और टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, हाइट तो नहीं रुक जाएगी, मेरे को जो है 6 फुट होना है, हाइट में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, मैं 5 फुट 8 इंच का हो चुका हूं पर मेरे को 2 इंच और बढ़ानी है, सप्लीमेंट लूं ना लूं। तो निश्चिंत होकर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि आपको हाइट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे, मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स है, ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करेंगे आपस में, एक दूसरे की कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे, क्योंकि परिवार में सही सलाह ही दी जाती है और यहां पर आपको सही सलाह दी जाएगी, मिसगाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेल का गोल नहीं, यहां है परिवार का ख्याल रखने का गोल, उसी पर मैं चलूंगा। आज के वीडियो में सीधे अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।